हेलो दोस्तों, कोलकाता से फिर आपका स्वागत है। आज यहाँ तीसरा दिन है। आज हम सभी दीघा बीच घूमने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको यह होटल दिखाते हैं जिसमें हम ठहरे थे। यह एक बहुत ही खूबसूरत होटल है, लेकिन कमरा अब थोड़ा गंदा हो गया है। सो गाइज, लेट्स गो। दीघा समुद्र तट लगभग 190 किलोमीटर दूर है। रास्ते में हम नाश्ता करने के लिए एक ढाबे पर रुके और लगभग 5 घंटे बाद दीघा पहुंच गए। दीघा बीच भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह कोलकाता से लगभग 190 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। दीघा बीच दो भागों में विभाजित है, ओल्ड दीघा और न्यू दीघा। ओल्ड दीघा, जिसे पूर्व दीघा के नाम से जाना जाता है, दुकानों और रेस्टोरों से भरा एक हलचल भरा समुद्र तट है। न्यू दीघा, जिसे नारायणपुर दीघा के नाम से जाना जाता है, एक साइलेंट और पीसफुल समुद्र तट है। दीघा बीच अपनी आश्चर्यजनक सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए जाना जाता है। समुद्र तट पर सर्फिंग, जेट स्कीइंग और नाव की सवारी जैसे पानी के खेल उपलब्ध है। पर्यटक पास के मछली पकड़ने वाले बंदरगाह मोहना का भी पता लगा सकते हैं। ये समुद्र तट परिवारों, कपल्स और विश्राम चाहने वाले सोलो ट्रेवलर्स के लिए एक आदर्श स्थान है। हम पूरा दिन दीघा में रहे। लोग लहरों में तैरने का आनंद ले रहे थे। हमारी बैचलर पार्टी ने पूरा दिन खूब एंजॉय किया। अपनी त्वचा पर सूरज की गर्माहट महसूस करना, किनारे से टकराती लहरों की मधुर ध्वनि सुनना, खारे पानी की मीठी खुशबू लिए हवा का झोंका बहुत अच्छा लग रहा था। बैंक में बैठकर और मैजेस्टिक सनसेट को आकाश को वाइब्रेंट कलर्स से रंगते हुए देखना, मेरे दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठाते हुए लहरों की रिदमिक मूवमेंट को देखना, एनलेस होराइजन को देखते हुए विचारों में खोए हुए और जीवन की यात्रा, उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार करते हुए फाइंडिंग सोलेस इन द वास्टनेस ऑफ द बे ऑफ बंगाल। दीघा समुद्र तट के किनारे बैठना एक सेंसरी और इमोशनल एक्सपीरियंस है, जो मन, शरीर और आत्मा को फिर से जीवन कर देता है। हमने पूरा दिन प्रियजनों के साथ हंसते खेलते यादगार यादें बनाते हुए बिताया। चौथा दिन डिपार्चर का दिन था। सुबह होटल से चेकआउट करने के बाद हम मदर टेरेसा के घर देखने गए, द मदर हाउस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। वहाँ एक घंटा रुकने के बाद हम लोग वापस आ गए। हम पूरा दिन हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास बूढ़ा बाजार नाम का एक मार्केट में घूमते रहे। हमारी ट्रेन शाम 7:30 बजे निर्धारित थी। पूरे दिन हमने खूब आनंद लिया और अंत अपने घर वापसी की यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन पर आ गए।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया वीडियो को कैसे लगी कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर तक देखने के लिए आप सबको धन्यवाद देते हुए वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे।